यह है कस्टर्ड बादाम का शरबत। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही हेल्दी होता है। आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। 2 टीस्पून कस्टर्ड को मैंने दूध में घोल कर रख लिया है। आधी कटोरी हमने शक्कर ली है। 2 टीस्पून सब्जे को मैंने पानी में भिगा के रख दिया था। ये 25 से 30 मैंने बादाम लिए थे जिसके छिलके को उतार कर मैंने इसे ग्राइंड करके रख लिया है। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो हम गार्निशिंग के काम में लेंगे। इसमें पिस्ता और बादाम है। 1 लीटर दूध को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। हमें इसे अच्छे से चलाना है। हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर डालकर हमें 1 से 2 मिनट पकाना है। अब हम इसमें जो हमने बादाम का पेस्ट रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड इसमें हमें कम ही डालना है, हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम ये कस्टर्ड का शरबत बना रहे हैं, इसलिए इसमें कस्टर्ड कम ही जाएगा। हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है। ये अच्छे से पक रहा है। इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। हमने कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद में फ्रिज में रख दिया था। इसे 3 घंटे तक हमने फ्रिज में रखा। ये अच्छा ठंडा हो गया है। अब इसको हम एक जार में डाल देंगे। और 4 से 5 हम आइस क्यूब लेंगे। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। हमें 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। हमारा शरबत अब तैयार है। मैंने गिलास में सब्जी को डाल दिया है। आप चाहें तो पूरे शरबत में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गिलास में डाल रही हूँ। अब इसमें हम ये शरबत डालेंगे। देखिए कितना क्रीमी सा, कितना अच्छा हमारा शरबत बना है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा शरबत है। अब हम चम्मच से इसको चला देंगे। ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग करेंगे। और थोड़े से हम टूटी फ्रूटी भी डालेंगे। हमारा कस्टर्ड बादाम का शरबत बनके तैयार है। अगर मेरा ये शरबत आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।